पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। तेलंगाना के एग्जिट पोल नतीजे लेकर के आपके सामने हैं। 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और आप देख रहे हैं जो प्रेडिक्शन हमारे साथ हैं वो कहता है कि 11 से 12 सीटों पर एनडीए की बढ़त रह सकती है। पिछली बार से 2019 से आप तुलना करेंगे 7 सीटों का फायदा होते हुए दिख रहा है। इंडिया अलायंस जिसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है, सत्ताधारी दल है तेलंगाना का, फिलहाल 4 से 6 सीटें इन्हें मिल सकती हैं। पिछली बार से आप तुलना करेंगे तो 2 सीटों का फायदा नजर आ रहा है कांग्रेस को। यहाँ पर बीआरएस पूर्ववर्ती सत्ताधारी दल है यहाँ का, पहले टीआरएस नाम हुआ करता था। 17 सीटों पर पूरे सूबे में इन्होंने चुनाव लड़ा और 0 से 1 सीट इनके हिस्से आ सकती है। पिछले बार से तुलना करेंगे तो 9 सीटों का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होते हुए दिख रहा है तो वो बीआरएस ही है, जो कि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था। और एआईएमआईएम एक सीट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और आप यहां देख, ये हैदराबाद की सीट है और 0 से 1 इनका नतीजा भी रह सकता है। ये नतीजे क्या बताते हैं तेलंगाना के पॉलिटिक्स को के बारे में, उसके उसमें जिस तरह का एवोल्यूशन हम पॉलिटिकल देख रहे हैं उसके बारे में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होने वाले हैं बालू पुलिपाका। आप पॉलिटिकल एडिटर हैं डेक्कन क्रॉनिकल अखबार के। सर आप हमको सुन पा रहे हैं? जी बहुत बहुत स्वागत है सर ललन टॉप की इस बातचीत में, इस खास लाइव प्रेजेंटेशन में। हम माफ़ी चाहते हैं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। सर एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हमने अभी अभी अपने दर्शकों के लिए रीड किया, आप भी सुन रहे होंगे। आपका पहली प्रतिक्रिया हम चाहते हैं, क्या जो आपका अनुभव था स्टेट में, तमाम आपके रिपोर्टर्स आपको फीडबैक दे रहे थे, आपने भी ट्रैवल किया ही होगा, तो जो आपका एक्सपीरियंस है और जो एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस हैं उनमें फिलहाल आप कितना अंतर देख रहे हैं? एग्जिट पोल के प्रेडिक्शंस में तो ज्यादा कोई चेंज नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा ओपिनियन है जी, कांग्रेस इतना कम कर सकता हो सकता है सोचे नहीं थे किसी ने। एवरीबडी थॉट इट इज गोइंग टू बी मच मोर क्लोजर बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस। एंड अगर बीजेपी को, ये तो एग्जिट पोल्स है, एक्चुअल रिजल्ट तो है नहीं, अगर एग्जिट पोल्स सही होते हैं जी तो बीजेपी के लिए तो ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं बूस्ट होगा, और कांग्रेस के लिए तो बहुत तकलीफ होगी यहाँ पे स्टेट में, स्पेशली लीडरशिप क्वारल्स माइट हैपन इवन इफ कांग्रेस गेट्स 1 सीट लेस देन द बीजेपी, यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस विद इन दैट पार्टी। मगर जहां तक बीआरएस का सवाल है, बीआरएस का जो प्रेडिक्शन दिख रहा है 0-1, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। अगर जीतेंगे तो शायद मेदक में जीतेंगे, हालांकि वो पार्टी कह रहा है, पार्टी तो कह रहा है कि शायद 3 या 4 भी जीत सकते हैं हम, मगर एक वाजिब दिख रहा है, इट लुक्स लॉजिकल इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन अचीव। एंड ऑफकोर्स जहां तक एमआईएम का सवाल है, एमआईएम तो यू नो हामी है हैदराबाद पे, उनको तो अभी कोई हराने वाले तो है नहीं। एमआईएम इज प्रोबेबली, हैदराबाद सिटी इज प्रोबेबली द ओनली सीट इन मोस्ट ऑफ इंडिया वेयर यू नो द रिजल्ट विद सर्टनटी, यू डोंट नीड एन एग्जिट पोल। सर इस बातचीत में मैं आदेश रावल को भी जोड़ना चाहता हूं, आप लोकमत से जुड़े हुए हैं लगातार, जो कांग्रेस के अंतपुर की कहानियां होती हैं आप सोशल मीडिया पे जाहिर करते हैं तब दुनिया को पता चलती हैं। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूं भाई। सर नमस्ते, मैं अभी सर से बात कर रहा था तेलंगाना के ऊपर। तेलंगाना के नतीजे सर कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछली बार से आप तुलना करेंगे तो बढ़ ही रहा है, 4 से 6 सीटों का प्रेडिक्शन है, लेकिन सर का कहना है बालू सर का कि अगर ये प्रदर्शन हो भी जाता है उसके बाद भी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत खुश नहीं होगा। हम वोट शेयर भी एक बार दर्शकों को बता दें, आप वो भी सुन लीजिएगा, आप उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ये प्रेडिक्शन है कि 43% रह सकता है, पिछली बार से 24% ज्यादा। कांग्रेस जो कि इंडिया अलायंस की प्रमुख पार्टी है 39%, इनका भी पिछले बार से बढ़ा है लेकिन पोल पोजिशन पर नजर नहीं आ रहे हैं। बीआरएस 13%, पिछले बार से 28% कम। AIMIM 2%, पिछले बार से 1% कम, और अन्य के खाते में 3% मत जाते हुए दिख रहे हैं। मैं पहले तो सर आपसे इसी बारे में जानना चाहता हूं आदेश सर, कि
कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि वो एग्जिट पोल पर टिप्पणियों से बचना चाहेंगे, उन्होंने अपने इसलिए प्रवक्ता भी भेजे नहीं है। वो क्या थिंकिंग थी जिस के नतीजे में ये फैसला लिया गया? देखिए, जो आपका लास्ट सवाल है इसका जवाब मैं पहले देता हूँ जी सर, कि एग्जिट पोल को लेके आज जब बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, उससे ठीक पहले कांग्रेस की जो मेन कमेटी है जो मीडिया के फैसले करती है कि इस पे क्या करना चाहिए, उन्होंने ये फैसला किया कि हम एग्जिट पोल में शामिल होंगे। तो खड़गे साहब के घर पे बैठक चल रही थी जिसमें सब लोग शामिल हुए थे, मैं भी वहां मौजूद था। तो मैंने किसी से पूछा कि भैया ये आपने कल आपने फैसला किया कि नहीं शामिल होंगे, आज कह रहे हैं कि हम शामिल होंगे, इसके पीछे की वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक से दो लोगों ने कल ये तय कर दिया कि हम एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। यानी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ कोई मशवरा नहीं किया गया था, और आज फाइनली जब वहां पे बैठक हुई तो वहां इस बात के बारे में चर्चा हुई कि किसने ये फैसला किया कि नहीं शामिल होंगे, क्योंकि आज लास्ट डे ऑफ पोलिंग था जी। तो आप एग्जिट पोल में शामिल नहीं होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन आप अंतिम चरण पर तो टिप्पणी रख सकते थे, पहले ये फैसला करते हैं कि आप मीडिया की डिबेट में शामिल नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने हथियार डाल रहे हैं। तो एक तो उसके पीछे की वजह ये थी, दूसरा उस बात को दुरुस्त किया गया कि किसने ये फैसला किया कि हम शामिल नहीं होंगे। कम्युनिकेशन के हेड जनाब रमेश है, और उनकी किन से चर्चा हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन बताया ये गया कि एक से दो लोगों ने ये फैसला कर दिया। और उसके बाद जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, ये फैसला इंडिया गठबंधन का नहीं था, ये फैसला कांग्रेस पार्टी का था, और आज जो फैसला है वो भी कांग्रेस पार्टी का ही है। और उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इस बात को लेकर जोर दिया है कि नहीं, हमें जाना है, हमें इस डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, हम इससे भाग नहीं सकते। तो ये तो बात हुई आपके लास्ट सवाल की। अब आपने कहा तेलंगाना के ऊपर कि तेलंगाना से जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। और जो आपका डाटा है वो एक्सिस माई इंडिया का मुझे लगता है उसका होगा जी, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें हैं वो 8 से 10 सीटों की हैं तेलंगाना में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हाल ही में जो वहां के मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी, उनकी लीडरशिप पे सवाल उठेंगे। ये बिल्कुल जाहिर है, लाजमी है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जब बाई इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी हारी थी, उसके बाद सवाल उठे थे, उसके बाद मानिक टैगोर को वहां से प्रभारी पद से हटा दिया गया था। और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां आपको पूरी मेजोरिटी मिली है, और अब जो आपका लिटमस टेस्ट है लोकसभा चुनाव, उसमें आपको सीटें नहीं मिलती हैं, तो जाहिर तौर पर स्टेट लीडरशिप में क्राइसिस होगा। और एक बड़ी लॉबी है जो रेवंत रेड्डी के सामने खड़ी हुई है, जो सत्ता का हिस्सा नहीं है कांग्रेस के भीतर, तो वो इस पे सवाल खड़े करेगी। आदि सर, क्या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो उनकी उम्मीद है वो कह रहे हैं कि 8 सीटों के आसपास उनका अपना प्रेडिक्शन था। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया कहता है 7 से 10 सॉरी इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया 8 से 10 का उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को कि उनका जो सबसे मिनिमम परफॉर्मेंस होगा वो 8 सीटों का होगा, और सबसे बेहतर होगा वो 10 सीटों का होगा जी। 4 से 6 का प्रेडिक्शन यहाँ भी हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है 11 से 12 का प्रेडिक्शन, पिछली बार से 7 ज्यादा। अगर आप एक लेमैन इन फिगर्स को देखेगा, और कांग्रेस की जो उम्मीद थी आप बता रहे थे, तो उसका मतलब यही निकलेगा कि ये तब हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो प्रेडिक्शन के बारे में कहा जा रहा है उनका प्रदर्शन नीचे आए, कांग्रेस का प्रदर्शन ऊपर जाए। क्या इस तरह का एंथुसियाज्म रेवंत रेड्डी की लीडरशिप में दिख रहा था कांग्रेस के काडर में, कि एक जो डायरेक्ट फाइट होगी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक एज हमने देखा है इतिहास में बाकी सूबों में भी? नहीं, देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही तेलंगाना में सरकार बनी थी बीआरएस का जो ग्राफ था वो नीचे आया था, और खासतौर पर अब जब कविता को अरेस्ट कर लिया गया था दिल्ली के शराब घोटाले में, और उसके बाद ये उम्मीद थी कि सीधी फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की होगी, और एक सीट जो हैदराबाद की है वो ओवैसी साहब के पास जाएगी, उसमें कोई शंका नहीं थी किसी को भी। लेकिन बीआरएस कितनी घटेगी, दरअसल हमारे पास डाटा ये था कि बीआरएस मैक्सिमम एक सीट पे आएगी, और उसके अलावा जो बाकी सीटें हैं वो कांग्रेस भाजपा में बट जाएंगी। लेकिन उसमें कांग्रेस को एज रहना चाहिए था एग्जिट पोल के डाटा के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ये मान रही थी कि उन्हें कम से कम 8 और मैक्सिमम 10 सीटें तेलंगाना से आनी चाहिए। लेकिन इन बिटवीन ये बात भी रिपोर्ट हुई थी कि
टिकट बंटवारे को लेके काफी इंटरफेरेंस हुए थे। वहां वहां क्या है कि उत्तम रेड्डी एक लीडर हैं, रेवंत रेड्डी अलग हैं, और वहां पे काफी इंटरफेरेंस है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी, वहां पे काफी इंटरफेरेंस है डीके शिवकुमार का भी। तो इन सब को देखते हुए एक बीच में ये बात आई थी कि टिकटें ठीक नहीं बटी हैं, लेकिन इस बारे में आज टिप्पणी करने से फायदा नहीं है क्योंकि अभी ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है। इसके लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा कि भाई आखिरकार हुआ क्या, क्या ये नंबर सही है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से एग्जिट पोल से ज्यादा प्रभावित नहीं होता हूं। जब से जब मैं आपके कार्यक्रम में आया हूं, मैंने पहली बार एग्जिट पोल को देखा है। तो ये अपने अपने सबके दावे हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा नहीं मानता हूं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूं कि जो तेलंगाना को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा था, जाहिर तौर पर रेवंत रेड्डी का ही लिटमस टेस्ट है मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनके सीएम बनने के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी और वो खुद भी चाहेंगे कि वो मैक्सिमम नंबर ला के दें, क्योंकि इस बात को वो बार बार कहते थे कि मैं इतना कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं ताकि कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बन सके। अब ये आंकड़ा अगर मैं सही मान लूं तो ये अपने आप में एक, मैं ये कहूंगा कि एक गिरावट है उनकी लीडरशिप में स्टेट के भीतर, कि आपको मुख्यमंत्री बने हुए 6 महीने भी नहीं हुए हैं और आपके नेतृत्व में अगर कांग्रेस पार्टी वहां घट जाती है, यानी बीजेपी आपसे ज्यादा सीटें लेके आती है, वो भी साउथ की उस स्टेट में जहां जहां उनका कुछ है ही नहीं, यानी बीजेपी का वहां बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बीजेपी लीडरशिप की, जो जो आज की डेट में हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको कि हमें इंतजार करना चाहिए 4 तारीख के नंबर का, सब 4 तारीख का इंतजार करेंगे जैसा हम बार बार बता रहे हैं। ये प्रेडिक्शंस हैं, जी हाँ, ये प्रेडिक्शंस हैं, हमने प्रेडिक्शन अपने दर्शकों तक पहुंचाए और 4 तारीख को भी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे, हम नतीजे पे आप तक लाएंगे ही और तब भी हम आपसे बात करेंगे, जो आपका फीडबैक है, जो हमारी अपनी फील्ड रिपोर्टिंग टीम्स का फीडबैक है।